अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बस आज गार्डन में थोड़ी सी वॉक कर रही थी, चले और समझ भी नहीं आ रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। मैंने बस ये देख लें, बस ये जो बटरफ्लाइज है ना, ये देखिए आप, ये पोलिनेटर का काम करेंगे। अगर पोलिनेशन ना हो ना हमारे प्लांट्स पे, तो जैसे फ्लावर्स आ जाते हैं तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सनाई कि वो कैसे अपने, देखें ये जानदार मखलूक है, इनको भेज दिया। हम तो एक एक यानी फ्लावर को पोलिनेट नहीं कर सकते। अगर वो पोलिनेट नहीं होगा ना फ्लावर, जोन सा भी फ्लावर होगा वो पोलिनेट नहीं होगा, तो उसमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं हो सकती। अब आप ये देखें कि कैसे पोलिनेटर, चेक करें आप किस कदर इसमें ये हनी बीज हैं और दूसरी भी और बटरफ्लाइज। ये शायद आपको नज़र आ रही हूँ, धूप का टाइम है। ये देखें फ्लाइज हैं तरह तरह की, ये देखें आप, और इसकी फ्रूटिंग भी आप चेक करें। इस पर सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। ये हमारा है चाइनीज़ ऑरेंज। सब बच्चों ने अब तो ये हार्वेस्ट कर लिया, शायद तो ये एक आध नज़र आ जाए, नए बच्चे ने उतार लिए। अब तो सिर्फ यही हैं ग्रेन वाले और ये बटरफ्लाई, तो इसकी जान के चिपकी हुई है। ये आप चेक करें, ये देखें मैम, देखिए मैं कहती हूँ ये क्या, ये कौन सी दुनिया है इतनी खूबसूरत। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक कुन से बन गई, एक इरादे से बन गई। ये आप चेक करें, ये तो मेरे मुंह पे ही आ गए थे। ये आप देखें, ये देखिए अल्लाह ताला के सिवा कौन इनमें रंग भर सकते हैं। सुभान अल्लाह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने छोड़ दी, पकड़ गई थी। अल्लाह करते हैं, या अल्लाह, ये कहाँ। देखिए आप भी ना अपने घर में एक गार्डन बनाएं। मैं चाहती हूँ ये खुशी मेरे सब बहन भाई, मेरे बच्चे, वो भी इंजॉय कर सकें ये वीडियो देख के। हाँ, उनको मैं मोटिवेट तो कर सकती हूँ, मगर वो जो सच्ची खुशी है वो तो फिर ही महसूस करेंगे ना, जबकि वो अपने करीब से देखेंगे, लाइव देखेंगे। ठीक है ना, देखिएगा ये वही रोज़ेस हैं, ये माशाल्लाह इनकी ग्रोथ, इनकी हेल्थ आप चेक करें माशाल्लाह। और ये देखिए इनकी फ्लावरिंग बोगनवेलिया पे और ऊपर तक फ्लावरिंग। और आप यकीन जानें कि ये वही एक ही, यानी मैंने ये कलम से लगाया था अल्लाह ताला के हुक्म से, एक ही ये पौधे की दो मैंने स्टेम लेके और लगाई तो गई थी, मगर ये सक्सेस जो है ये दो हुई थी। और माशाल्लाह इन पे फ्लावरिंग भी, और आप यकीन जानें एक ही पौधे की ये दो स्टेम्स थी, एक पे शॉकिंग पिंक फ्लावरिंग हो रही है और एक पे रेड।
तो मैं कहती हूँ कि हमें इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का होना नज़र आ रहा है कि वही है, उसके सिवा कोई नहीं, उसके इरादे से होते हैं, उसके इरादे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए यही हमारा अकीदा और ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसी ब्यूटी है इनमें, ये बस आज मैं ऐसे ही टेरेस पे थोड़ी सी वॉक कर रही थी, मैंने कहा तो चलते चलते आज ये भी नहीं था, यानी टॉपिक भी नहीं कोई समझ आ रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो फिर इतने में एक बटरफ्लाई आ गई। मैंने अल्लाह ताला से भी दुआ की, अल्लाह ताला कोई टॉपिक ऐसा हो कि ये है कि सब जो मामाज गार्डनिंग फैमिली है वो खुश हो जाए, एंजॉय करें। तो देखिए अल्लाह करे आपको बटरफ्लाई वाला टॉपिक पसंद आ जाए। ओके इधर से ये इस तरह देख लें, ये इंशाल्लाह मैं आपको डेली अपडेट देती रहा करूँगी। जी आप चेक करें, धूप की वजह से ना काफ़ी धुंधला सा कुछ रिजल्ट आ रहा है इसमें। अब तो इंशाल्लाह हमारी ये जो प्रेस वेल्स हैं इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत स्लो होती है वैसे मगर बड़ी दिलकश। ओके बस ओके, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई पहले की तरह तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी नमाज का, अपने आमाल का। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे का सबसे प्यारा अमल सिर्फ दुरूद पाक ही लगता है। तो इंशाल्लाह आप भी दुरूद पाक पढ़ लें, मैं भी पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।